अभी अम्बाला से आए, इनके साथ प्रॉब्लम हो गया था लास्ट ईयर, तो उसमें सर्जरी इनकी पॉसिबल नहीं हो पाई थी वहाँ पे, तो डॉक्टर ने वहाँ पे रिकमेंड किया था दोबारा से सर्जरी करने के लिए। तो हम उनको अम्बाला से यहाँ पे डॉक्टर भरत से हमने रिपोर्ट दिखवा के, इनके आने से पहले ही डॉक्टर भरत से हमने रिपोर्ट दिखवाई थी, उन्होंने बताया था कि हिप सर्जरी होगी और उसका यही लास्ट ऑप्शन है और कुछ नहीं है। तो फिर हम यहाँ लेके आए थे अम्बाला से इनको, नानी बाबा को यहाँ से, और डॉक्टर भरत के थ्रू कैलाश हॉस्पिटल में इनकी सर्जरी हुई है। यहाँ बहुत अच्छी सर्जरी हुई है, जब भी बाहर निकले थे तो हंसते हुए निकले थे, दैट मीन्स कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था इनका नजीत जैसे। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है और हेल्पफुल है और हम बहुत सेटिस्फाइड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर भारत है। सुदेश जी हमारे पास आए हैं 4 दिन पहले, इनकी हिस्ट्री थी फेब्रुअरी 2022 में आंटी के हिप में इंजरी हुई थी, तो अम्बाला में इन्होंने सर्जरी कराई। सर्जरी उस टाइम तो ठीक थी, लेकिन किसी कारणवश शायद बोन्स की वीक होने की वजह से या फिर इम्प्लांट पोजिशनिंग की वजह से धीरे धीरे उन्हें उनको पेन होने लगा और अल्टीमेटली वो इम्प्लांट फेल हो गया। जो उनकी रॉड थी वो टूट गई थी, अंदर से स्क्रूज टूट गए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने इनको स्क्रूज में निकाल दिया, लेकिन नेक्स्ट सर्जरी के लिए इनको बोला, तो उनके बेटे ने प्रेफर किया कि हम ग्रेटर नोएडा लाके कैलाश हॉस्पिटल में सर्जरी कराना चाहेंगे। तो जब उन्होंने मुझे एक्सरे दिखाए तो ये तो समझ में आ गया था कि हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, जो अंदर इम्प्लांट है टूटा हुआ उसको निकालना पड़ेगा बाहर, और नया ऑप्शन ये की है कि हम हिप को रिप्लेस करें ताकि इमिडिएटली हम पेशेंट को वॉक करा सकें। इस एज में जल्दी वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट्स के लिए, वरना बेड सोर्स बनना या निमोनिया बनना काफ़ी कॉमन हो जाता है और उसमें फिर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाती हैं। सक्सेसफुली हमने 2 दिन पहले आंटी का हिप रिप्लेसमेंट किया और एज आई प्रॉमिस नेक्स्ट डे हमने उनको वॉक कराया। अब वो वॉकर के सहारे चलना शुरू कर दिया उन्होंने। आई होप जैसे जैसे टाइम निकलेगा उनकी पेन भी और कम होगी और उनको रिलीफ मिलता जाएगा, एंड आई विश हर स्पीडी रिकवरी, जल्दी से ठीक हुए। एंड गॉड ब्लेस सर, थैंक यू।